إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم मोहतरम बुजुर्गों नौजवान दोस्तों परदानशीन ख़ातिन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों हर कस्म के हमदना उसी अल्लाह रबीन के लिए लायक और सेबा है जो अपने बंदों में से जिसको चाहता है गनी बनाता है जिसको चाहता है मिस्किन बना देता है वो अगर चाहे तो बेशुमार माल दौलत से नवाजता है वो चाहे तो किसी को पाई पाई के लिए तरसा भी सकता है वो माल देता है किसी को तो दिल नहीं देता और अगर किसी को दिल देता है तो फिर उसको माल नहीं देता किसी के अंदर खर्च करने की ख्वाहिश पैदा करता है लेकिन उसके पास माल नहीं हुआ करता किसी के पास माल तो बेतहाशा होता लेकिन कभी भी उसके दिल पर खर्च करने का ख्याल भी नहीं गुजरता है लाखों सलाम हो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको हादिरमर बना कर हम तमाम की तरह फरमाया सामने कर आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है ज़क़़त के फ़ज़ाइल और मसाइल हमने बुनियादी तौर पर इस अनवान का इंतबाब इसलिए कर रखा है कि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और उससे पहले लोग मुख्तलिफ ज़कात के ताल्लुक से सवालात कर रहे हैं तो अब इस मौके पर लोगों को ज़कात के मसाइल के बारे में मालूम होना चाहिए ताकि वो अपने मसाइल को आसानी से हल कर सकें इसी पस मंजर में हमने इस टॉपिक का इतखा कर रखा है साम्य कर हम जो कुछ इबादतें करते हैं नमाज भी हमारी इबादत है इस इबादत से सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह खुश होता है इस इबादत का ताल्लुक बंदों से कुछ नहीं है बंदों से कोई लेना देना नहीं है इस इबादत से बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करता है इसी तरह बंदा हज करता है, हैुमरा करता है तो इस इबादत से भी बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश कर सकता है और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी कर सकता है इस इबादत का ताल्लुक बंदों से कुछ नहीं है बल्कि पूरा का पूरा अल्लाह तबारक से है और इसी तरह एक इबादत ऐसी है है जिसमें बंदा अल्लाह को भी खुश करता है, और अल्लाह के बंदों को भी खुश करता है और वो इबादत है की शक्ल में है बंदा जक़ात अदा करता है तो फरीजे को अंजाम देने की वजह से अल्लाह तबारक खुश हो जाता है ये बंदों की मदद करने की वजह से बंदा भी खुश हो जाता है अल्लाह को भी राजी करता है बंदों को भी राजी करता है अल्लाह को भी खुश करता है और बंदों के भी काम आता है और वो इबादत है जक़ात की शक्ल में है समन कराम जक़ात हमारे इस्लाम के पांच अरकान में से एक रुकन है जैसे नमाज का कोई इनकार करे तो काफिर हो जाएगा अगर तोहेद का, तो का इनकार करे तो कुफ़र में चला जाएगा अगर हज का इनकार करे तो कुफ़र में दाखिल होगा इसी तरह रमज़ान का इनकार करे तो कुफ़र में दाखिल होगा और अगर कोई ज़क़़त का इनकार करता है तो भी वो कुफ़र में दाखिल हो सकता है बंदा नहीं दे रहा है अलग बात है लेकिन अगर इनकार करता है तो फिर कुफर में दाखिल हो जाता है अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर अस्सी पर दो मरतबा 82 टाइम्स नमाज पढ़ने का हुक्म देने के साथ साथ जक़ात को अदा करने का भी हुक्म दे रखा है बयासी मरतबा अल्लाह ने बंदों को जक़ात देने का हुक्म दे रखा है बंदा अगर जक़ात अदा करता है

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا

अल्लाह तेरे बंदों में से जो भी तेरे रास्ते में खर्च करने वाला है उसको बेहतर से बेहतर बदलाता फरमा व यकुल आखर दूसरा फरिश्ता कहता है तलफा अल्लाह तेरे बंदों में से जो भी जमा 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 करके रखता है वो अपने माल को सेफ रखना चाहता है तेरे रास्ते में खर्च नहीं करना चाहता है तो उसके माल को तबाह कर देना बर्बाद कर देना तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे तौर पर कह रहे हैं फरिश्ता दुआ करने वाला है और जब फरिश्ता दुआ करता है तो फिर अल्लाह रद्द करने वाला ऐसा नहीं हो सकता है अल्लाह कबूल कर लेता है और हम जरा देखते हैं कुरान मजीद का मुताला करते हैं अहदी से शरीफा का मुताल करते हैं तो जक़ात देने वालों के भी फ़ाइल हैं और जक़ात न देने वालों के भी जो है वहाँ पर धमकियाँ हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी मुस्लिम की रिवायत है आदमी जंगल में सफ़र कर रहा है जंगल में सफ़र करते करते अचानक आसमान से निदा सुनाई देती है आसमान से आवाज़ आती है या साहब इसकी हदीकत फुलान आसमां फुला आपके बागीचे में पानी बरसा दे इतना आवाज आना था बादल जमा हो रहा है अबर जमा हो रहा है बारिश बरसता है और फिर पानी जमा होकर नाली की शक्ल में आगे बढ़ते जा रहा है सुनने वाला नाली के पीछे पीछे जा रहा है खेत में दाखिल हुआ पानी वहां पर बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है अपने हाथ में फावड़ा लेकर जो है पानी को अपने सैराब करा रहा है ताज्जुब से पूछा कि आप क्या काम करते हैं अल्ल जो है आसमान से मैंने जो है आवाज सुनी बारिश बरसा आपके खेत में पानी आ रहा है तो उन्होंने बेटा मैं कोई बड़ा काम तो नहीं करता हूं जब कभी मेरे खेत में फसल होती है मैं अपनी फसल को तीन हिस्सों में तकसीम करता हूं एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे देता हूं और हूं और और एक एक हिस्सा हिस्सा अपने घर के रखता फिर दोबारा खेत में बोने के लिए रखता हूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो बंदा अल्लाह का हक निकालता है बंदों का हक निकालता है तो अल्लाह खुसूसी तौर पर उसकी मदद करने वाला है दूसरों के खेतों को पानी से दूर रखा लेकिन इसके खेत को खसूसी तौर पर पानी बरसाता रहा फिर शुरु कलम को जरा देखें आप जिसमें अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक तआला ने वाजह तौर पर बयान किया बाग़ वाला बूढ़ा आदमी था अपने खेत में काम करता था जब कभी गल्ला आया करता उस गल्ले को तीन हिस्से में तकसीम करता था और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करता एक हिस्सा अपने घर में रखता और एक हिस्सा फिर दोबारा खेत में बोने के लिए इस्तेमाल करता था इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहा खेत में बड़ी बरकत हुआ करती थी अचानक उस बूढ़े आदमी इंतकाल हो जाता है बच्चों ने सोचा हमारे अब्बू तो बेवूफ़ी काम करते थे क्या जरूरत थी इतनी मेहनत की कमाई दूसरों को देने की वन थर्टी जो है हां वन थर्ड देने की क्या जरूरत थी हम ऐसा नहीं करेंगे हम ऐसा नहीं देंगे अगर हम दिन में फसल काटने जाएंगे तो लोग मांगने वाले आएंगे और देना पड़ेगा इसलिए काम करेंगे रात में जाएंगे और फसल काट करके लेकर आएंगे ताकि ना कोई मांगने वाला आए ना ही किसी को देना पड़े छोटे भाई ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो अबू जान जो कुछ किया करते थे अच्छा करते थे हम भी वैसे करेंगे लेकिन बड़े भाइयों ने नहीं माना रात में छोप छोप कर खेत को जा रहे हैं खेत को पहुंचे तो देखा सारा खेत जल के खाक हो चुका है छोटे भाई ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि ऐसा मत करो तो बड़े भाई ने भी तोबा की और कहा कि हम गलती पर थे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर अल्लाह ने बताया कि जो आदमी नियत को बिगाड़ लेता है उसके माल को तबाह करके छोड़ देता है अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कोई आदमी सदका करता है तो उसके माल में कुछ कमी होने वाली नहीं उसके माल में कोई कमी होने वाले नहीं अगर कोई आदमी सदका करता है जक़ात निकालता है कल क़ियामत के दिन आरश के साए तले जगह पाने वाला है बुखारी मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमला दिल्ला इल्ला दिल्लु सात लोग ऐसे होंगे कल कियामत के दिन कोई साय नहीं होगा आरश के साय तले उनको जगा दिया जाएगा उन सात लोगों में से वो आदमी भी है आदमी अल्लाह के राम सीधे हाथ से खर्च करता है इतना छुपाकर खर्च करता है कि बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि उसके सीधे हाथ ने कितना खर्च किया है उसके सीधे हाथ ने कितना खर्च किया बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता है तो नादरीन ना आप गौर करें कि आदमी यह इबादत को छुपा कर ही करना है हाँ अगर आपके जाहिर करके देने से किसी के दिल में जज्बा पैदा हो सकता है आपको देखकर कोई दूसरा भी जो है देना शुरू कर सकता है फिर अगर आप जाहिर करके दे रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप अपनी शोहरत चाहते हैं अपना सामान तकसीम करके WhatsApp में डालना चाहते हैं अपने चावल को तकसीम करके फेसबुक में आना चाहते हैं अपने थोड़े से साड़ियां बांट कर जो है आप अखबार में आना चाहते हैं तो इस तरह की इबादत की कोई जरूरत नहीं अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है जो कुछ आप करेंगे आपको पता हो अल्लाह को पता हो और आपके लिखने वाले कातिबीन को पता हो बस इतना ही होना चाहिए नादरी फजाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त मुख्तर है इसलिए मसाइल में अब दाखिल होने जा रहा हूँ मसाइल हम ज़कात किस में देंगे सोने के अंदर हम ज़कात निकालेंगे और चांदी के अंदर हम ज़कात निकालेंगे और करेंसी की शक्ल में अगर हम पैसे हैं तो जक़ात निकालेंगे और अनाज में जक़ात निकालेंगे चार चीजों में जक़ात निकाली जाती है सोना साढ़े सात तले है तो जक़ात शुरू हो जाती है साढ़े सात तले है तो शुरू हो जाती है अब आठ तले है तो साढ़े सात के ऊपर जो है उस पर जकत निकालना है या पूरा का पूरा साढ़े सात तले आठ तौले पर निकालना है पूरे के पूरे आठ तले पर जकत निकालना पड़ेगा ऐसा नहीं कि साढ़े सात के ऊपर जो है उसकी जकत निकाल रहे हैं और साढ़े सात को माइनस कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है साढ़े बावन तले चांदी आपके पास है और साढ़े बाउन चांदी है तो अब आपकी जक़ात शुरू हो जाएगी आपके पास सोना भी जो है नहीं है चांदी भी नहीं है करंसी है तो ये करंसी साढ़े बावन चांदी के बराबर अगर हो जाती है अब आपको जक़ात निकालना है हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साढ़े सात की कीमत साढ़े बावन चांदी की कीमत दोनों बराबर बराबर थी इक्वल इक्वल थी लेकिन अब सोने का रेट काफी आगे बढ़ चुका है और चांदी का रेट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है तो हमारे पास करेंसी है तो क्या साढ़े सात तले सोने के बराबर करेंसी जमा होने तक वेट करेंगे या साढ़े बॉन तले करंस... चांदी के बराबर करेंसी होते ही जक़ात निकालेंगे जाहिर बात है अगर साढ़े सात सोने के बराबर होने का इंतजार करेंगे लंबा टाइम इंतजार करना पड़ेगा साढ़े बॉन तले चांदी के बराबर करेंसी अगर हम देखें तो हम जल्दी रिच हो जाते हैं जकत का मकसद गरीबों को फायदा पहुंचाना है को फायदा पहुंचाना है जल्द अगर फायदा पहुंच रहा है तो ये ज्यादा फायदा मंद है यह ज्यादा गरीबों के हेल्पफुल हुआ करता है इसीलिए साढ़े बॉन तले चांदी के बराबर अगर करेंसी है अब हमको जकत निकालना पड़ेगा <coughs> अब सोना है मूल साहब सोना हमारे घर में अम्मी के पास आठ तौले सोना है बी तो उस पर पूरी जकवात निकालना है अब हमारी बहन के पास छः तोले है उस पर कोई जक़ात नहीं है हमारे और एक बहन के पास पाँच तोले है उस पर कोई जक़ात नहीं है मेरी बीवी के पास जो है चार तोले है उस पर कोई जकवात नहीं है अच्छा क्या ऐसा कर सकते हम वो छह तले उनके पांच तले इनके चार तले सब के अगर हम जमा करें तो फिर वो साढ़े सात से ज्यादा हो जाता क्या उस पर जक़ात निकालना पड़ेगा क्या उसको मिलाना चाहिए नहीं मिलाने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल जिसके नाम पर सोना है जिसका सोना है अगर वो साढ़े सात तले हो तो ही जकत उस पर हो जाती है सब घर वालों के सोने को मिलाकर जकत निकालने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल जिसका 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 अलग अलग है वो साढ़े सात तवले है तो ही उस पर अपने को जकत निकालना है हमारी अम्मी के पास जो है दस तले सोना तो है लेकिन हमारी अम्मी के पास पैसे नहीं है जक़ात निकालना है अब उनके पास पैसे नहीं है तो क्या करना तो अगर आपके अम्मी के पास पैसे नहीं है तो आपके अब्बू को जकत निकालना चाहिए हमारे अब्बू जक़ात नहीं निकालते हमारे अम्मी की वो उनका सोना है उन्होंने कहा ना मैं तो जकत निक, निकालने वाला हूं ऐसा है क्या अच्छा आप जक़ात निकालो मुल साहब मेरे पास कहां से पैसे आ सकते मेरे पास पैसे नहीं है फिर अम्मी को निकालना पड़ेगा उनको ही जक़ात निकालना पड़ेगा पैसे नहीं है तो अगर कहीं से पैसे आ सकते हैं तो कर्जा लेकर जक़ात निकालना पड़ेगा पैसे आने का सोर्स भी नहीं कुछ भी नहीं वो सोने को बेचकर अब आपको जकत निकालना पड़ेगा सोने को बेचकर जक़ात निकालना पड़ेगा लेकिन हर हाल में जक़ात अपने को निकालना पड़ता है एक आदमी एक आदमी ये सोना है वो साढ़े सात वाले नहीं है चांदी है वो भी साढ़े सात वाले नहीं है और करंसी भी है तो वो भी साढ़े बावन तले चांदी के बराबर करंसी नहीं है तो आप पर ना सोने की जकात है ना चांदी की जकात है ना ही करेंसी की जकात है तीनों में से किसी की आप, आपके ऊपर जकात नहीं है अब अगर करेंसी हमारे पास है मुल साहब है लेकिन हमारे अब्बू हज करने के लिए करेंसी रखे हुए चार लाख रुपए रखे हुए हज करना चाहते वो तो क्या उस पर जक़ात निकाला है हाँ अगर आप हज करने पैसे रखे हुए तो भी आपको जक़ात निकालना पड़ता हमारे अबू पैसे रखे मुल साहब लेकिन हमारी बहन की शादी के लिए पैसे फिक्स रख दिए एक जगह वो खर्च नहीं करना चाहते हैं तो क्या बहन की शादी के लिए आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए अगर पैसे रखा तो उस पर भी जक़ात निकालना पड़ेगा हाँ उस पर भी अपने को जक़ात निकालना पड़ता मुल साहब पैसे तो हैं लेकिन हमारे अबू चाह रहे हैं कि घर बनाना आप घर बनाना चाह रहे निकालना है उमरा करने रखो तो भी जक़ात निकालना, तो निकालना है बेटी की शादी के लेकर रखो तब भी अपने को जकत निकालना है हर हाल में अपने को जकत निकालना पड़ता है पैसे मेरे थे एक जो है दोस्त जो है एक पांच लाख रुपए मंगा मुझे बस एक महीने की मुद्दत बोल के अब वो पांच लाख रुपए लेके पांच महीने होगा मुंसाफ देने का नाम ही नहीं ले रहा बेचारा आजकल आजकल अगले हफ्ते अगले महीना अगले हफ्ते अगले महीना टलाते जा रहा है पांच लाख रुपए मेरे उसके पास फंसे हुए हैं तो क्या मुझे उस पैसे पर जकत निकालना पड़ता उस पर जकत नहीं है क्यों अगर वो आदमी ऑन द स्पॉट आप जब भी मांगे तब अगर वो देता है तो आप पर जकात निकालना पड़ता आप मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं। वो कल, कल, कल जा रहा है वो कब देता कब दे सकता कोई पता नहीं तो अब आप पर जकत नहीं है अब आप पर जकत नहीं है हाँ भाई छह महीने को पक्का लौटा सकता तो फिर आप जकत निकालेंगे कब लौटाता कुछ भी अंदाजा नहीं है तो जो कर्जे में पैसे हमारे गए हुए हैं उस पर हमको जकत निकालना नहीं है उस पर जकत नहीं है मैं एक एक अपने जो है है गरीब दोस्त है भाई और एक मिसकिन दोस्त है वो कर्जा मांगा तो मैं उसको बीस हजार रुपए कर्जा दिया अब बीस हजार कर्जा दे के लगभग एक साल हो गया वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है तो क्या अब रमजान आया मैं जक़त निकालना है एक मेरी तीस हजार जकत निकल रही है तो क्या उसको जिसको मैंने कर्जा दिया है वो बीस हजार जक़ात में समझ सकता हूं क्या मैं बात समझ में आ रही मैंने कर्जा दिया है वापस नहीं लौटा रहा है अब मुझे जक़ात निकालना है जा भाई मैं तुझको जकत दे दिया बीस ऐसा उसको जक़ात माइनस कर सकता हूं क्या जकत में उसको शुमार कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि जब आप उसको दे रहे थे जकत की नीयत नहीं थी देते वक्त जकत की नीयत नहीं थी अब जब वापस पैसे नहीं आ रहे बोलकर आप जकत में काउंट करना चाह रहे हैं पैसे वो हमको नह नहीं मिल रहे बोलकर आप जकत में शुमार करना चाह रहे हैं इस तरह शुमार नहीं कर सकते फिर करना क्या मोल साहब वो पैसे भी नहीं छोड़ सकते अब जक़त भी नहीं दे सकते बोल रहे हैं आप जक़त में शुमार भी नहीं हो सकते बोल रहे हैं करना क्या फिर आप तो उससे बोलना कि भाई अब तो जो है तू बीस हजार रुपये लिया और दे रहा नहीं वापस नहीं कर सक रहा मैं तुमको जक़ात देना चाह रहा हूँ लेकिन पैसे तुम्हारे पास जब तक मेरे पास हाथ में नहीं गए तब तक मैं जकवात में उसको शुमार नहीं कर सकता तुम एक काम करो एक दूसरे दोस्त से बीजा कर्जा ले लो दूसरे दोस्त से बीजा कर्ज़ा ले लो और उससे कर्जा लेकर तुम अपना कर्जा मुझे लौटाओ अपना कर्जा मुझे लौटाओ अब वो पैसे मेरे पास आ गए वो मेरे पास पैसे आते ही अब उसको जकत में शुमार करके अब लो भाई जकत बीस हजार तुम ले लो तुम जकत लेने के बाद तुम जिसे कर्जा लिए थे उनको वापस वापस लौटा दो वापस उनको लौटा दो ये शक्ल हो सकती है उस आदमी को जो कर्जा वापस नहीं लौटा सक रहा है उसको जकत देने की एक शक्ल इस तरह हो सकती है और मुन साहब ये जो है क्या कहते हैं उसको ये हम हमारे माशरे के अंदर एक सवाल बार बार आते रहता मुनसाफ़ ये सैयद को जक़ात दे सकते क्या बार बार सवाल आता रहता है सैयदों को जक़ात दे सकते क्या बार बार सवाल आता रहता है सैयद किसको कहते हैं सैयद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को सैद कहा जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर जक़ात का खाना हराम है उनको जक़ात खाना जायज़ नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़क़ात का माल रखा हुआ था खजूर का ढेर रखा हुआ था हजरत हसन रजी अल्लाह तआला आप के नवासे चलते चलते खजूर देखे लेकर खजूर में रखा तो अल्लाह के रसूल ने फौरन कहा काख, काख थूक दो थूक दो आल मोहम्मद पर जक़ात का माल जायज़ नहीं आले मोहम्मद पर जकवात का माल जो है खाना दुरुस्त नहीं है उसको मुंह में सिर खूकने का आपने हुक्म दिया तो जो रियल में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं उनको जकवात ना दिया जा सकता है नहीं ही वो जक़ात ले सकते हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमारे पास गली गली डगर नगर हर जगह ये भी सैयद वो भी सैयद वो भी सैयद वो भी सैयद क्या ये रियल में अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं अब कंफर्म करना है किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है हम अल्लाह के रसूल के घर वाले हैं बल्कि क्या सबूत है आपके पास क्यों इसलिए हिंदुस्तान को जितने साहबा कराम आए और उनसे इस्लाम यहां पर फैला तो अल्लाह के रसूल के घर वाले हिंदुस्तान को आए कि नहीं जब अल्लाह के रसूल के घर वाले हिंदुस्तान को नहीं है तो फिर उनकी नस्ल यहाँ आती कैसा उनकी औलाद यहाँ आती कैसा उनकी औलाद पैदा होती कैसा लिहाजा जो है डाउटफुल है डाउटफुल है अगर कोई आदमी बोल रहा कि भाई नहीं, मैं तो सैदी हूं मैं तो ज़कात नहीं निकालता छोड़ दो मत दो उसको छोड़ दो मत दो गरीब है बेचारा सैयद सैयद मशहूर है गरीब है मिस्किन है जकात दे रहे हैं आप ले रहा तो उसको जकात दो क्यों इसलिए कि रियल में नबी के खानदान वाला है बोलकर कोई इसके पास प्रूफ नहीं है बस सैयद नाम चलते जा रहा है और जो है बेटा भी सैयद बाप भी सैद दादा सैद नाम चलते जा रहा है तो इसमें हकीकी नबी के खानदान वाले होने का कोई प्रूफ उनके पास मौजूद नहीं है मूल साहब मेरे पास जो है एक प्लॉट पड़ा हुआ है प्लाट पड़ा हुआ है अब वो प्लाट मैं तो बस लिया भाई हो सकता घर बनेंगे अपने बच्चों के काम आता अपने काम आता इस तरह में प्लाट लिया तो उस पर कोई जकत नहीं है घर बनाने की नीयत से अपने बच्चों को देने की नीयत से अगर प्लाटा पड़े हुए हैं उस पर कोई जकत नहीं लेकिन मुल साहब प्लॉट लिया रेटा गए तो बेचूंगा बोल के समझा अब रेटा कम है चांस में मिल रहा प्लॉट घर के बाजू अचानक मिल रहा है पांच सेंट जो है प्लॉट है और मजबूरी में बेच रहा बेचारा रेट बढ़ते बेचूंगा इसलिए मैं ले लिया अब उस पर जकात है जिस प्लॉट को बेचने की नियत है आपके पास उस पर जकत निकालना पड़ेगा जो प्लॉट घर में बनाने के लिए रखने के लिए है उस पर कोई जकत नहीं है मुंसाब मेरे पास एक चार फ्लाइटा है एक चार बड़े बड़े बिल्डिंगा है और क्या उन बिल्डिंगों पर जक़त है क्या नहीं उन बिल्डिंगों पर कोई जक़ात नहीं है लेकिन मैं बिल्डर हूं बना बना के बेचता हूं तो फिर अब जक़ात निकालना पड़ेगा सिर्फ बिल्डिंगें बना के रखे तो उस पर जक़त नहीं बेचने की नीयत है अब जक़ात निकालना पड़ेगा लेकिन साहब वो चार बिल्डिंगों से किराया आता है मुझे किराया आता वो बिल्डिंग का बीस हजार उसका तीस हजार उसका पचास उसका सत्तर ऐसा किराया आता अच्छा चार बिल्डिंगों का किराया तुमको आता ना अब किराया इसका 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 आया साल भर किराया जमा हुआ खाए पिए मस्त माशाल्लाह। और फिर साढ़े बांध तले चांदी के बराबर अगर करेंसी हो रही अब जकात निकालना पड़ेगा मुल साहब दस लाख किराया आता पूरा साल का पूरा खा के खत्म कर देते कोई जक़ात नहीं है पूरा खा के खत्म कर दे रहे अब आप पर कोई जकत नहीं है मुल मेरे चार ओला में जो है टैक्सी लगे हुए हैं क्या उन टैक्सी पर जकत है नहीं उस पर कोई जकत नहीं है वो ओला टैक्सी जो कमाती उस पर अगर बचे तो उस पर जकत है मेरे चार बस लगे हुए हैं हैदराबाद से जो है बेंगलुरु बेंगलुरु से मुंबई ऐसा जो है हाँ बस लगे हुए हैं क्या उन बसों पर जक़त है नहीं उन बसों पर कोई जक़ात नहीं उन बसों की आमदनी पर अपने को जक़त निकालना पड़ता मिल साहब मेरी एक फैक्ट्री है मेरी चावल की फैक्ट्री है मेरी मिर्चों की फैक्ट्री है और फैक्ट्री में करोड़ों का सामान जो है मशीन लगी हुई है क्या उस मशीनरी पर जकत है नहीं उस मशीनरी मिशनीर, पर कोई जकत नहीं है उस से जो प्रोडक्शन होता है जो कमाई होती है इनकम होती है उस पर अपने को जकत निकालना पड़ता है उस पर अपने को जकत निकालना पड़ता है इसी तरह साहब मेरा एक होंडा शोरूम है बाइक का जो है शोरूम है तो क्या उस पर जक़त है हां जक़ात है क्यों बेचने के लिए है हो। जो होंडा आप रखे हुए वो बेचने के लिए है उस पर जकत निकालना पड़ेगा मुल साहब मेरी कपड़े की दुकान है कहाँ उस पर जक़त निकालना है क्यों कपड़ा बेचन रखे आप कपड़ा बेच रखे हुए हैं मोल साहब मेरे सोने की दुकान है हाँ सोना जितना रहेगा उस पर आपको ज़कात निकालना पड़ेगा मेरा मेडिकल शॉप है वहां जितना सामान है उस पर जक़त निकालना पड़ेगा मेरा सुपर मार्केट है हाँ उस पर आपको जक़ात निकालना पड़ेगा मेरा मॉल है हाँ उस पर ज़कात निकालना पड़ेगा लेकिन जो फर्नीचर है उस पर कोई जक़ात नहीं मेरा स्कूल है क्या उस पर जक़त है स्कूल की बिल्डिंग पर जक़त नहीं टेबल्स पर जक़ात नहीं स्कूल से जो रेवेन्यू जनरेट होता जो इनकम आपको होती है उस पर अपने को जकआात निकालना पड़ता है बात समझ में आ रही है इन इस तरह ये जो है सोने का ये चांदी का ये करेंसी का ये हमारे कारोबार का ये हमारे लेन देन का जकआत हमको निकालना पड़ता है अब मुल साहब अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको खेती है अब खेती बाड़ी हमारे पास होती है तो खेती बाड़ी पर कैसे जक़ात निकालना प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी की खेती पांच वसक हो जाए जिस आदमी की खेती पांच वसक पांच वसक का मतलब सात सौ तिरपन किलो हाँ सात सौ तिरपन किलो अगर सात सौ तिरपन किलो अगर किसी के पास अनाज हो रहा है अब जक़ात निकालना पड़ता है तो मुल साहब हमारे खेत में धान साल में दो मरतबा होता हाँ दो मरतबा जकआत निकालना पड़ेगा अनाज जितनी मरतबा खेत में आता जाएगा उतनी मरतबा आपको जकत निकालते रहना है ऐसा नहीं खेत में तीन बार फसल हुई साल के आखिर में जो है उस पर जकआत ऐसा नहीं हर पीक को हर फसल को और जितनी मरतबा खेत से सामान आता तब तक तो आपको जक़ात निकालना पड़ता है कितनी निकालना मुल साहब अगर मेरा खेत अगर मेरा खेत कुएं वाला है मैं मोटर के ज़रिए खेत को सैराब करता हूँ मेरा कैनल है उसके मोटर लगा के फिर अपने खेत को सैराब कर रहा हूँ ऐसी सूरत में अपने को पाँच परसेंट जकवात निकालना है सोने में चांदी में करेंसी में सामान में ढाई परसेंट है यानी सौ को ढाई रुपए है लेकिन खेत में अगर हम जो है अपने बाउडी से कुएं से मोटर से अगर हम सैराब कर रहे हैं तो उसमें पांच परसेंट ज्त निकालना पड़ता लेकिन अगर मेरे खेत में वो बारिश के जरिए फसल आ रही है बारिश के थ्रो जो है मुझे आना जा रहा है वहां दस परसेंट आपको करेंसी पे सोने पे चांदी पे ढाई परसेंट और आप मिंजन से अगर मोटर से खेती बाड़ी कर रहे हैं पांच परसेंट अगर बारिश के जरिए आपकी खेती हो रही है तो दस परसेंट अपने को जकात निकालना पड़ता है ढाई परसेंट पांच परसेंट और दस परसेंट हमको जकत निकालना पड़ता है यह हुआ खेती बाड़ी का मसला अमूल साहब अब हमारे पास बकरियां हैं अब बकरियां हैं तो कितनी जकत निकालना चाहिए कितने बकरियां हो तो जकत निकालना पड़ेगा अगर हमारे पास चालीस बकरियां हैं तो जकत शुरू हो जाती है चालीस बकरियां हैं तो जकत शुरू हो जाती है चालीस बकरी हुई एक बकरी zakat निकालना पड़ेगा अब फिर और 40 बकरी हुई ये और एक बकरी फिर और एक 40 हुई और एक बकरी फिर 40 बढ़ गए और एक बकरी 200 तक चार पंजे 20 यानी 200 मगर बकरियां हमारे पास हैं तो पांच बकरियां हमको zakat निकालना पड़ता है 200 के ऊपर अब 300 तक कोई zakat नहीं 300 हुआ एक बकरी फिर 300 से 400 तक एक ही बकरी 400 से 500 तक एक ही बकरी 200 तक पांच बकरियां 300 हो गए छह बकरी 400 हो गए हां फिर 500 हो गए 600 हो गए 200 के बाद हर 100, 100, 100 पे जक़ात निकालना पड़ता है लेकिन 200 होने तक हर 40 पे चालीस हुआ और एक और एक चालीस दो सौ में पांच किसी को दे रहे हैं तो मुल क्या पूछ के देना उनको क्या पूछ के भाई मैं जकत दे रहा हूं बोल के देना क्या इंफॉर्मेशन दे के देना क्या हाँ सामने वाले पे डिपेंड होता है सामने वाला कभी जकत को पसंद नहीं करता समझा आप अब जो है को, अब बहुत ही मिस्किन है बेचारा अब प्रॉब्लम में आ गया अब ज़क़ात ले रहा लेकिन वो आइंदा साल भी वैसे गरीब होना जरूरी है क्या फिर उसके बाद दो साल के बाद गरीब रहना ज़रूरी है क्या वो मालदार बन भी सकता है लिहाजा ऐसे मौके पर अगर वो आदमी जकवात को पसंद नहीं करने वाला है माल आने की सुरख जकवात नहीं लेने वाला है तो उसको बोल कर बताकर देना पड़ेगा भाई जक़ात का माल है अगर तुम परेशान है अगर मुस्तक है तो तुम ले सकते अगर मुस्तक नहीं है पसंद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं बोल के देना पड़ेगा लेकिन अगर कोई मुस्तकिल जो है बेचारा परेशानी रहता है वो जकत लेते रहता है उसको बोल कर देने की जरूरत नहीं है साहब जकत हम अपनी भाई को दे सकते क्या जक़ात अपनी भाई को दे सकते हैं क्या हाँ आपका भाई शादीशुदा है अलग रहता है उस भाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है और वो अलग कमाता खाता सब कुछ करता लेकिन परेशान रहता है बेचारा तो क्या आदमी अपने भाई को जका दे सकता है हाँ अपने सगे भाई को जका दे सकता है अगर वो शादीशुदा है अलग रहने वाला है और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है तुम जका दे सकते हो मुल साह अपने बहन को मैं ज़क़ात दे सकता हूँ क्या हाँ अगर आपकी बहन शादीशुदा है गरीब है आपके बहने भी ज्यादा कमाने के लायक नहीं है वो अलग रहती है तो अगर वो मस्किन है तो उसको ज़क़ात दिया जा सकता है लेकिन मुल साहब मेरा छोटा भाई है शादी नहीं कुछ नहीं मेरे पास ही रहता है वो परेशान परेशान रहता है तो क्या जकात दे सकता हूं नहीं क्यों उसको पालने की जिम्मेदारी मेरी है अभी अलग नहीं हुआ कमाना शुरू नहीं किया अपनी जिम्मेदारी अपने पैरों पर शुरू नहीं करा मेरे पास ही खाता है मेरे पास ही पीता है तो मेरी जिम्मेदारी में आ गया मैं उसको जकत नहीं दे सकता मेरी बहन शादीशुदा नहीं मेरे पास ही रहती है मेरे पास ही खाती पीती है मेरे अंडर में है मेरे अंडर गॉर्डियनशिप में है उसको जकत नहीं दे सकता आर समझ में एक जो है मुल साहब शोहर अपनी बीवी को जकत दे सकता क्या शोहर अपनी बीवी को जैक नहीं दे सकता क्यों उस बीवी को पालना टोटली शोहर की जिम्मेदारी है लिहाजा शोहर अपनी बीवी को जैक नहीं दे सकता मुल बीवी अपने को दे सकती क्या हाँ, अगर उसका गरीब है मुस्किन है परेशान परेशान है काम नहीं धाम नहीं मुर्दा फिरते रहता है बेचारा आप अब बीवी के पास पैसे हैं वो है ये है उसके भया देते रहते थोड़ा इनकम उसके पास है अब शौहर को देना चाह रही तो दे सकती है क्यों शोहर क्यों दे सकती इसलिए कि बीवी के ऊपर शोहर को पालने की जिम्मेदारी ना शोहर को पालने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है लिहाजा जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है उसको हम जक़ात दे सकते हैं जक़ात के मुस्त कौन है आपके रिश्तेदार आपके करीबी वाले आपके जो है दोस्त अहबाब आपके आस पास रहने वाले ये लोग जकत के ज्यादा मुस्तक हुआ करते हैं दोस्त हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो गर गरीबी सी गरीबी हालत में भी अपनी गुरबत को जाहिर नहीं करते खामोश रहते हैं ऐसे लोगों को तलाश करके करके देना है दोस्त मांगने वाले को सब देते हैं अपने गम को जाहिर करने वाले को सब देते हैं अपने दुखड़े को सुनाने वाले को सब देते हैं लेकिन जो दुखड़ा नहीं सुनाता जो गुरबत को नहीं पेश करता अपनी मजबूरी को जाहिर नहीं करता ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के देना चाहिए दोस्त क्यों महरूम जक़ात में जो हक है पूछने वाले का भी है जो नहीं पूछ के खामोश बैठा हुआ रहता जबान नहीं खोलता अपनी परेशानी को दबाए रखता है उसको भी ढूंढ ढूंढ कर जक़ात देना है दोस्त हम जक़ात देना चाहते मुल साहब लेकिन अगर मैं जक़ात दू ना वो कोट्टा जो है बस खापी के मजे उड़ाए खत्म कर देता क्या करना ऐसा अगर पैसे दिए तो उन्हें उड़ा देता तो एक काम करो अनाज की शक्ल में इसको दे दो ताकि जो है वो घर वालों खाने का जरिया बन जाए घर वालों खाने का जरिया बन जाए तो अनाज की शक्ल में क्या मैं जकात दे सकता हूँ बिल्कुल दे सकता हूँ क्यों सामने वाले को करेंसी दें तो वो उड़ा देगा लिहाजा मैं अनाज दूंगा तो घर वाले बच्चे खाएंगे बीवी खाएगी दे सकते हैं हम एक आदमी जो है अपने बच्चे की अच्छा पढ़ाई दे अच्छी पढ़ाई करना चाहता है अच्छा पढ़ाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते हैं अगर पैसे तो खा के बढ़ जाता है फीस नहीं देता है अपनी जक़ात को बच्चों की फीस में जाकर आप भर सकते हैं ये मेरी जकत है ये दो बच्चे हैं जहीन हैं अच्छा पढ़ने वाले हैं लेकिन जो है ये फीस अदा ना करने की वजह से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं आप जाओ उन दोनों बच्चों को एडमिशन दिलाओ अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ उन बच्चों को अपने जकत के माल पढ़ा सकते हैं आप इंशाला तो दोस्त ये जकत का सिस्टम हमारे पास आना चाहिए और हालांकि ये इज्तिमाही तौर पर ही होना चाहिए था एक अमीर हो और अमीर के पास लोग अपने जक़ात का माल ला कर जमा करें और उस अमीर के पास बेवाओं की लिस्ट भी हो मिस्किनों की लिस्ट भी हो फुकरा की जो है लिस्ट भी हो और ये अमीर तमाम को बराबर बराबर तकसीम करे ऐसा होना चाहिए था अगर हो तो बहुत अच्छा है अगर हो तो बहुत अच्छा है अगर ऐसा नहीं हो सका तो आप ढूंढ ढूंढ कर दें या जितना हो सके आप लाकर जमा करें और फिर जो है कहें कि भाई वो आदमी मुस्किन है फुला परेशान है फुला परेशान है उसको आप दे सकते हैं अपने जक़ात के माल को पूरा का पूरा एक कुछ देना या थोड़ा इनको थोड़ा इनको थोड़ा इनको थोड़ा इनको, थोड़ा इनको कैसे देना मुन साहब आप हालात के हिसाब से देख सकते हैं एक नौजवान है अब वो अच्छा दीनदार आदमी है और मेहनती भी है अगर कोई कारोबार लगा के दिया जाए तो वो अच्छा आगे बढ़ सकता है पूरी जकत को लो उस कारबार लाके दे दो उसको पूरी जकत को एक ही आदमी को दे सकते आप ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके अपने कदमों पे खड़ा हो सके और वो मसाइल को हल कर सके मुनासिब जैसे हो सकता है उसको अदा करते रहे तो नादरीन ये थे छोटे मोटे मसाइल अगर और कुछ आपके मसाइल हैं तो इन शरावे के बाद आप तशरीफ़ लेकर आइए और जितने भी सवाल आपके होंगे जक़ात के तल्ल से हम इन शाह आपके जवाब देंगे हम अला से दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम को अल्लाह का हक़ अदा करने की तोफ़ी अत फ़रमाए का हक़ अदा करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ इस इबादत को भी पाबंदी से अदा करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ बारी तला जितने परेशान हाल हैं परेशानी को दूर फरमा जो बीमार हैं शिफाए का मिला फ़रमा बारी ताला जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं उनको शिफायत कामिल आता फर्मा के घर वाले परेशान हैं उनको परेशानी दूर फरमा जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़े को अदा करने की तौफीक तोफ़ीक़ा फ़रमा जो सूद में फंसे हुए हैं उनको सूद से निकलने के रास्ते आसान फरमा बारी तआला हमारे माँ बाप की मफ़रत फरमा हमारे माँ बाप को सेहत से नवाज़ दे अगर हमारे माँ बाप गुजर चुके हैं तो तू उन पर रहम करम का मामला फरमा बारी तआला जितने कमज़ोर लोग हैं उनको भी रमज़ान में रोज़े रखने की ताकत ता फरमा बारी तआला तलाम इस्लाम के मुसलमानों पर रहम फरमा हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा बारी तला इतने न आजमा थे हमारा ईमान डगमगा जाए इतने आजमाइश में न डालना जिससे हमारे ईमान कमज़ोर हो जाए बारी तला हमारा ईमान कमज़ोर है हमारे इस्लाम कमज़ोर है लिहाजा तो हम पर रहम फरमा करम फरमा हमारे ईमान की हफाजत फरमा हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा हमारे बड़ों की हिफाजत फरमा हमारे औरतों की हिफाजत फरमा हमारे बहनों की हिफाजत फरमा बारी तला जितनी बहनें बैठी हुई हैं उनके लिए बेहतर जोड़ाता फरमा जो माँ बाप अपने बच्चों के ताल्लुक से सोच रहे हैं उनकी सोच को इसे रमज़ान में हल करने की तोफ़ी अता फरमा जो कारोबार से दूर हैं, बारी तला बेहतर कारोबार जुड़ने की तोफ़ी अता फरमा जो पड़ोसी से परेशान हैं उस पड़ोसी के दिल में रहम और करम फदा फरमा जो दोस्तों से जो दुश्मनों से परेशान हैं उन दुश्मनों के दिल में रहम और करम का मामला फरमा बारी तला रमज़ान के महीने में अमल की तोफ़ी कता फ़रमा रोज़ों की तोफ़ी कत फ़रमा तिलावत कुरान की तोफ़ी कता फ़रमा क्यामल की तोफी क़ा फ़रमा और हम दूसरों को ख्याल करने की तोफ़ी क़ा फ़रमा बारी तला हमारे छोटे बड़े सारे अमाल को कबूल फरमा वाखिरदा वानदल रब